गाइस कैसे हैं आप लोग? ऐसा करते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज क्या बताने वाले हैं कि जॉब फॉर ग्रेजुएट्स, मतलब ग्रेजुएट्स को कैसी कैसी जॉब्स मिल सकती है दिल्ली में या कहीं भी हो आप लोग, या फिर आप लोग अभी अपने घर पर हो, सोच रहे हो अब हम निकलेंगे कहीं बड़े शहर में जा करके कुछ कमाई वगैरह करने के लिए, तो हमें कैसी कैसी जॉब्स वगैरह मिल सकती है, ये सब आप लोगों के मन में आए होंगे डाउट्स। हर किसी के मन में आते हैं भाई, निकलने से पहले वो सब भी सोचते हैं कैसा कैसा मुझे जॉब्स मिल सकता है। तो कुछ लोग जो है यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर लेते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद कैसी कैसी जॉब मिलती है, जिनको रिकमेंड हो गई होगी मेरी वीडियो। तो आज आप लोग जान लो कि कैसी कैसी आप लोगों को जॉब ग्रेजुएशन के बाद मिल जाएगी, क्योंकि आप लोगों के मन में आए होंगे बहुत सारे थॉट्स कि मुझे ऐसी जॉब मिलेगी, मुझे वैसी जॉब मिलेगी। तो कैसी जॉब मिलेगी आज वो रियलिटी जानिए, ठीक है? और क्या क्या प्रोज एंड कॉज है सब कुछ मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताऊंगा, मेरा एक ब्लॉग का चैनल है जिसका नाम है राहुल लेकर लव स्टोरी। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और एक शॉर्ट्स का चैनल जिसका नाम है निशा जेकर शॉर्ट्स, उस पर भी सपोर्ट करो। इन सब से बहुत ज़्यादा हो सब पे सब्सक्राइबर, सिर्फ शॉर्ट्स वाला चैनल पे कम है, बाकी ब्लॉग वाले तो इससे 10 गुना है। सोचूंगा ग्रेजुएट के बाद मुझे कितनी सैलरी मिल सकती है, कैसी कैसी जॉब्स मिल सकती है। तो देखिए ब्रदर, जैसा जॉब वैसा पैसा, ये बात अब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि आपको ग्रेजुएशन के बाद बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगी वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी तक सैलरी ले पाते हो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके अंदर क्या टैलेंट है सब कुछ। देखिए क्वालिफिकेशन ही नहीं मैटर करती, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, आपको किस फील्ड में क्या एक्सपीरियंस है। जैसे कि कोई बंदा 12th पास ही और आपसे बढ़िया उसका कम्युनिकेशन हो, एक्सपीरियंस हो उसका किसी चीज़ में किसी फील्ड में, तो उसकी सैलरी आपसे ज़्यादा मिल सकती है, ये जरूर मैं कहूँगा। ऐसा नहीं कि अगर जो आप ग्रेजुएट हो तो भी आपकी सैलरी बहुत कम मिले, नहीं नहीं भाई, सब कुछ डिपेंड करता है। क्वालिफिकेशन से ज़्यादा मैटर करती है एक्सपीरियंस, आपके अंदर क्या एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे सैलरी बनती है भाई। सबसे पहले ये जान लीजिए, अगर जो आप लोग घर पे हो और चाह रहे हो दिल्ली आए तो क्या क्या तैयारी कर ले कि और अच्छी सैलरी मिल जाए मुझे। तो अगर जो ऐसा चाहते हो तो आप इंग्लिश बहुत बढ़िया कर लो, इंग्लिश का सब खेल ले भाई, ठीक है? आपका गुना भागा का जितना ज़रूरत नहीं पड़ेगा जितना इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है इन सब चीज़ों में, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपका कम्युनिकेशन मैटर करता है। तो अच्छा कम्युनिकेशन रखिए अच्छे से, ताकि लोगों से आप डील कर पाए, क्योंकि जब भी इंटरव्यू होगा भाई, बहुत कम चांसेस है ग्रेजुएशन के बाद आपकी इंटरव्यू जो हिंदी में हो, चांसेस ज़्यादातर इंग्लिश में। अच्छा आपका चाहते हैं वहाँ इम्पैक्ट पड़े, अच्छा मतलब इमेज बन जाए आपका कि आपको ही जॉब मिल जाए, तो आपके अंदर इंग्लिश की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में इंटरव्यू दोगे ज़्यादा चांसेस है पास होने की और लोगों की तुलना में, ठीक है? उसके बाद मैटर करता है कि चलिए आपको कैसी कैसी जॉब मिल सकती है, ठीक है? सैलरी की बात तो करेंगे ही करेंगे बीच में, पहले बात कर लेते हैं कैसी कैसी जॉब मिल सकती है ग्रेजुएशन के बाद। तो देखो भाई, ग्रेजुएशन के बाद बहुत प्रकार के जॉब्स आते हैं। जैसे कि आप कॉल सेंटर में इनकेस जाना चाहते हो, तो कॉल सेंटर में जाइए तो आपके लिए बेस्ट होगा बीपीओ। बीपीओ में जाओ जहाँ इंग्लिश कॉल सेंटर हो, ठीक है? इंग्लिश में जहाँ बात हो, इंग्लिश में अगर जो आप कॉल सेंटर की जॉब करते हो तो 6 घंटे की ड्यूटी होती है भाई, हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी होती है, ठीक है? उसमें फिर क्या होता है, कैब की फैसिलिटी, मतलब आपको गाड़ी लेने आएगी आपको पहुँचाने आएगी, तो ये दोनों फैसिलिटी मिलेगी। बिकॉज इंग्लिश जो कॉलिंग होता है वो तो इंडिया में बहुत कम होता है, बट विदेश से होता है। इंडिया में भी होता है कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है सर बात करने को, उस लैंग्वेज में वो बात करते हैं, बट इधर तो हिंदी में भी चलो हम लोग कंफर्टेबल है, हिंदी भी समझ जाएंगे, बट विदेश वाले तो इंग्लिश ही समझेंगे। तो विदेश वाले जो जो कंपनी इधर से चलाते हैं, उनका जो जो क्वेरी होता है पूछने का, उनसे हम लोगों को जब बात करना पड़ता तो उन सबको तो हिंदी आती नहीं, वो सब इंग्लिश में बात करते हैं भाई। प्लस इधर जब दिन होता है तब उधर रात हो जाती है भाई, उधर जब रात होती है तो इधर दिन होती है, मतलब बहुत जगह अलग अलग है। जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया, यूके हो गया, यूएस प्रोसेस हो गया, ये सब के लिए ऐसे होते हैं। तो बहुत जगह कॉलिंग का काम होता है चालू 6 बजे से, कहीं कहीं दोपहर के 2 बजे से, कहीं कहीं रात को 8 बजे से, ऐसे होता है चालू। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए माना जाए कि आप 8 बजे से गए ड्यूटी पर, 6 घंटे का ड्यूटी था, तो आपको 4 बजे सुबह में मिल जाएगी छुट्टी। 4 बजे उतना सुबह, यहाँ दिल्ली बंद रहती है, दिल्ली में रात का मतलब होता है 4 बजे के बाद ही, ठीक है? बड़े बड़े शहरों में आप 12 बजे तक तो हम खचा खच मार्केट खुली रहती है 2 बजे तक, अब 4 बजे रात को आप अकेले कैसे आओगे घर, इनकेस आप लड़की हो तो कैसे आओगे घर। इसलिए वो कैब की फैसिलिटी देते हैं, ताकि वो आपको आकर के पिकअप भी कर लेते हैं और ड्रॉप भी कर देते हैं आप लोगों को, ये फैसिलिटी दे देते हैं, ठीक है? सैलरी भी इसमें अच्छी खासी रहती है, 35K लगभग आपकी सैलरी मिल जाएगी अगर जो आप बढ़िया से इंटरव्यू दिए तो। और इसमें बोनस वगैरह भी मिलते हैं, मतलब अच्छा खासा काम करने पे आपको मतलब इंसेंटिव वगैरह मिलेंगे, ठीक है भाई? ऐसा है। उसके बाद इसमें बात किया जाए और आगे की क्या क्या जॉब, जैसे कि कॉल सेंटर की बात किया जाए तो इसमें एक आता है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, जो एयरलाइंस के लिए कॉलिंग होती है, तो आप उसमें भी जॉब कर सकते हो, उसमें भी अच्छी खासी सैलरी है। जैसे कि बात करता हूँ मैं इंडिगो की, तो इंडिगो में जो है ग्रेजुएशन के बाद कॉल सेंटर में जॉब्स मिलना चालू हो जाता है।
जाते हैं बड़े बड़े कंपनीज़ में, ऑफ़र वगैरह जब आती है तो वो अपने क्लाइंट को कॉल करते हैं, सर अभी ऑफ़र आया हुआ इधर का ट्रिप उधर का ट्रिप लो इतना सस्ता पड़ेगा, तो वो ट्रिप लेने के लिए वो सब कॉल करते हैं, ठीक है। उसमें भी आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हुई तो और अच्छी सैलरी, बिकॉज देखो एयरलाइंस वगैरह में हिंदी बहुत कम रहती है, बट रहती है थोड़ी बहुत, ये ज़रूर मैं कहूँगा, बट कम रहती है, ठीक है। तो इंग्लिश अगर जो आपकी अच्छी है यहाँ भी आप जॉब कर सकते हो, और इंडिगो में भी आपको सैलरी अच्छी खासी दे देंगे। जैसे कि बात किया जाए इसमें सैलरी की, आप फ्रेशर हो बिल्कुल, तो इसमें भी पहले कैब की फैसिलिटी मिलेगी, और शायद इंडिगो में तो नहीं बट स्पाइस जेट में कैब की भी फैसिलिटी है, पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है। बिकॉज ये सब जो ड्यूटी है ना रोटेशनल शिफ्ट में चलती है, मतलब अभी आपका ड्यूटी सुबह 8 बजे से है तो कल हो सकता है रात को 8 बजे से हो सकता है, 12 बजे से हो सकता है, तो इतनी रात को ड्यूटी है तो भाई कहाँ से गाड़ी मोटर आएगी आपको पिकअप करने के लिए कोई, इसलिए कंपनी की तरफ से ही गाड़ी आती है, वो आपको पिकअप करते हैं और आपके घर तक आकर के आपको ड्रॉप भी कर देते हैं, तो ये फैसिलिटी है। इसमें बात किया जाए सैलरी की, तो कम से कम अगर जो आप फ्रेशर हो इंटरव्यू पास कर गए तो 25,000 से 30,000 के बीच सैलरी मिल सकती है, एक्सपीरियंस हो तो 30K+ भी मिल सकती है, वो डिपेंड करता है आप पे आप किस तरह से इंटरव्यू देते हो, ठीक है। इसके बाद बात किया जाए जैसे तो डेटा एंट्री का आप जॉब कर सकते हैं, डेटा एंट्री वगैरह जो कि ऑफिस वर्क है तो आप इसमें भी काम कर सकते हो, अच्छी खासी कंप्यूटर की नॉलेज हो तो डेटा वगैरह एंट्री करने का काम कर सकते हो, जिसमें आपकी सैलरी अच्छी खासी होगी भाई। डेटा एंट्री में भी अगर जो स्टार्टिंग सैलरी की बात किया जाए तो इसमें भी आपको 25,000 रुपये तक मिल जाएगी इजीली स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाओगे 35,000 से 40,000 तक इजीली चली जाएंगी भाई ऐसा। उसके बाद डेटा एनालिटिक्स का भी जॉब कर सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी आपको जॉब इजीली मिल जाएंगी, ठीक है। बात किया जाए मॉल में एंट्री करते हैं तो आप सेल्समैन का जॉब कर सकते हो, आप सेल्स वगैरह करोगे उनके सीनियर भी बन सकते हो, आप वहाँ पे HR का भी पोस्ट मिल सकती है वहाँ पे आपको, और आप TL भी बन सकते हो अगर जो एक्सपीरियंस हो तो। फ्रेशर को तो बहुत कम चांस है TL बनने की, पर देखो जब समय आ जाता है कभी कभी तो देना ही पड़ जाता है, ठीक है। जब लोग नहीं मिलते हैं तो फ्रेशर लोगों को भी दे देते हैं जॉब, तो आपको TL का भी जॉब मिल सकता है। और मॉल में बात किया जाए आप जैसे कि TL हो या फिर HR हो या फिर वहाँ सीनियर हो कोई भी पोस्ट हो आप, तो कम से कम आपकी यहाँ भी सैलरी 25,000 से 30,000 रुपये तक स्टार्टिंग मिल सकती है एक फ्रेशर के लिए, और एक्सपीरियंस हो तो और ज़्यादा भी मिलेगी। इसमें कैशियर का भी पोस्ट आता है वो भी आपको मिल सकती है, जो कि बिलिंग करने का काम होता है, मतलब कस्टमर का जो प्रोडक्ट का उसका पैसा लेने का काम है आपको, मतलब बिलिंग करना है जी आपको, तो इसका भी आपको पोस्ट मिल सकता है, और इस पर भी अच्छी खासी सैलरी वही 25,000 से 30,000 के बीच इसमें भी मिल जाएंगी। और बहुत सारे कंपनीज़ हैं, आप लोग कमेंट किया कीजिए और क्या क्या टॉपिक पे वीडियो बनाए, हम इजीली हर एक टॉपिक पे बना दिया करेंगे भाई, बिकॉज आप लोग हमारे भाई हैं तो वो सब भी बना देंगे, ठीक है। उसके बाद और पोस्ट चलो एक बता देते हैं, जैसे आपके अंदर ग्रेजुएशन है, आप ग्रेजुएशन सिर्फ की और डिग्री दिखावे के लिए है, मतलब वो उतना भी खास आपको नॉलेज नहीं, बट आप ग्रेजुएट हो तो आप गार्ड वगैरह में जा सकते हो, गार्ड का सीनियर आपको बना दिया जाएगा जो कि आप उन लोगों को लीड करोगे, TL वहाँ भी बन सकते हो, कि कौन सा गार्ड आज किस गेट पे खड़ा रहेगा कितने नंबर पे खड़ा रहेगा ये सब काम आप लोगों को मिल सकती है, ठीक है। सुपरवाइजर जिसको आप कह सकते हो, गार्ड वगैरह का सीनियर जो रहोगे तो ये भी आप लोगों को पोस्ट मिल सकती है, मतलब थोड़ा कम नॉलेज है बट ग्रेजुएट हो तो। और ऐसा नहीं कि इसमें सैलरी कम है भाई, इसमें भी 30,000 तक सैलरी दे ही देगा, ठीक है, 28,000 से 30,000 ईजिली मिल जाएगी, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। और कमेंट कीजिए क्या क्या टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, बिकॉज देखो भाई जितना माइंड में आता है वो सब मैं आप लोगों का आगे टॉपिक रख देता हूँ, कुछ आप ही लोग कमेंट किया कीजिए ताकि उस बात पे भी हम वीडियो बनाएं, ठीक है। उम्मीद करते वीडियो देख करके अच्छा लगा होगा, अगर जो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, और अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा, और अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, और अच्छा लगा तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो मुझे, जिसका आईडी है Rahul Lekar 00, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे प्यारे भाई।